हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी चल रहे हैं घूमने के लिए नहीं, कैची धाम जा रहे हैं भाई दर्शन के लिए। दोपहर को निकलेंगे, 2:15 हो चुके हैं, अब जाएंगे। यू भी जाऊँ बेटे? आऊँ घूमके, दो दिन अपना मन लगा लेना, कल आ जाऊँगा। ठीक है, मेरे बगैर नहीं लगे, लगा लेना, कल आ जाऊंगा जल्दी। ठीक है ना। और इसको एक चिप दिलवा दी, इसका क्या है? ठीक है यूवी बेटे, ठीक है जाएं, फिर आपको घुमा के लाऊंगा बाद में। ठीक है आऊंगे घूम के जल्दी ही। यूवी बाय बेटा, ठीक है जाऊं। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं, 2:15 हो गए। ओके मियां, आशीर्वाद दे, बढ़िया ठीक है, ठीक है, बाय यू भी, देखना पापा को, ठीक है, देखना जीना लग गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है मियां। तो गाइस निकल लिए हैं भाई नैनीताल के लिए, नैनीताल भी चलेंगे और कैची धाम भी चलेंगे। कितना होगा भैया कैची धाम? मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर होगा वहाँ तक, तो वहाँ भी चलेंगे भाई। दोपहर क्या 3 बज चुके हैं, अब निकले हैं, 7-8 घंटे लग जाएंगे, 7-8 घंटे का सफर रहेगा। देखते रहना, पहाड़ भी आएंगे, बढ़िया से एंजॉय करना। और मैं, विजय और पीछे वंशु बैठा, वंशु तो वही निकल लिए हैं। देखते हैं कैसा सफर रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर तो शायद 13-14 डिग्री तरह होगी। तो वही कंबल वम्बल सब कुछ ले लिया है, क्योंकि रूम के तो पैसे ही नहीं है, गाड़ी में ही सोना, आज खाना वाना इसी में है जो कुछ है। चुके हैं, अब यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर रह गया नैनीताल, दिल्ली से पुलिस की दूरी है 350 किलोमीटर के करीब, तो 250 किलोमीटर के करीब हमने दूरी पूरी कर ली है। तो ये अपना ग्रीन टी रेडी कर लेते हैं, पानी तो दे दे गरम, बोल रहा भाई पानी होती ग्रीन टी हमारी रेडी है बनके, टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये लो लो लो, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे चलो रहने दो, मैं ही पी लेता हूँ। मस्त है भाई, गरम गरम, क्योंकि आगे आगे जितना हम आगे जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ती जा रही है, तो गरम चीजें ही अच्छी लगेगी वहाँ पे, इसलिए यहीं से अपना आदत डाल लेते हैं। अभी तो टाइम लगेगा हमें, कितना रहेगा भाई, ये रहेगा 85 किलोमीटर, टाइम लगेगा 2.5 घंटे का दिखा रहा है ये, और देखो ज़्यादा भी लग सकता है, काम मिल जाए तो दिखाएंगे भाई अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे, क्या क्या होगा अभी तो हमें ही नहीं पता, कितना जाम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, किस टाइम पहुँचेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है गाइज होटल लेने की, क्योंकि सब पुल दिखा रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन। तो वही पहला सटे लिया यहाँ, यहाँ से नैनीताल रह गया हमारा करीब करीब 70 के करीब रह गया, अब रुके हैं यहाँ, वंशु जा ही रहा वहाँ पे। और ये देखो भाई क्या अच्छा नज़र आ रहा है, सूर्यदेव हमारे यहाँ से। तो भाई यहाँ से शुरू हो गया है काला डूंगी का जंगल, जो कि नैनीताल से 40-45 किलोमीटर पहले है। अब ये देखो 30-35 किलोमीटर का ये जंगली जंगल है भाई, और कुछ नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। रास्ते में कई बार तो रात को हाथी वाथी भी आ जाते हैं, यही सुना है, ये तो सुना नहीं है कि भी शेर वगैरह आते होंगे, बाकी देखा हमने हाथी भी नहीं है। शेर आ जाएंगे तो उसको भी देखेंगे या वो हमें देखेगा, कोई तो देखेगा ही, लेकिन गाइस आप जरूर देखोगे, कुछ भी होगा तो।
गाइस यहाँ से हो गई है भाई पहाड़ी शुरू। अब ये 40-45 किलोमीटर की पहाड़ी है। तो भाई मस्त पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। अरे अच्छे ही बाबा जी कहेंगे। तो भाई यहाँ पर एक करी इसलिए है कोई शेर वेर आ जाए ना तो गाड़ी मंदी रहे यहाँ से आती वाती आ जाए। तो गाइस फिलहाल तो पहुंच गए नैनीताल। वापिस आए माल रोड पे, जाम ज्यादा था इसलिए हम यहीं रुक गए। थोड़ा अपना मैगी वगैरह बना लेते हैं, खा लेते हैं यहाँ है जी, फिर चलेंगे जब तक जाम भी खुल जाएगा। आपको मैगी की रेसिपी तो यहीं रुक गए थोड़ी देर के लिए भाई। और ये इस तरफ देखो लाइटिंग ही लाइटिंग है पूरी, आगे चल के दिखाएंगे आपको। ये देखो वीडियो कॉल कर भाई हुई के पास। तो चलो भाई अपना बनाते हैं पहला मैगी, फिर मिलते हैं दोस्तों। काफ़ी टाइम लग गया भैया आने में। तो गाइज मैगी बनानी स्टार्ट कर दी गई है यहीं पे। अब देखते जाओ भाई कैसी बनेंगी कैसी नहीं है तो मेरे को पता नहीं। कोशिश अपनी पूरी जारी है, गैस अच्छी अपना काम आ रही है भाई। ये देखो मस्त रेडी है अपना चूल्हा भाई बिल्कुल है। वंशु ऐसी मैगी खिलाएंगे बेटे तेरे को पहाड़ों वाली आज, ठीक है विजय? मस्त बनाएंगे भाई बिल्कुल बिल्कुल मस्त नहीं बनेगी लगेगी भाई। ये देखो अपना पूरा सामान यहाँ पैक है भाई अपना गाड़ी में, जो कुछ भी ब्रेड ब्रेड हमें किसी चीज की कमी पड़ने वाली नहीं है भाई। होटल बन चुका है हमारा बिल्कुल बिल्कुल। अब साइड में किचन है, ये रहा भाई ये देख लो आगे सोने का और बैक साइड में किचन है। सब एक बार इसमें थोड़ा प्याज व्याज और काट दूं टमाटर वगैरह। तो गाइस पापा तो यहाँ पे बना रही है मैगी, बना रखी है और आगे सोने का है। और अगर गाड़ी से बाहर सोना हो तो खटोला भी यहाँ पे। तो गाइस मैगी डाल दी है। विजय भाई अपनी मैगी बिल्कुल रेडी होने वाली है, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, मेहनत रंग जरूर लाएगी इतना मुझे पता है। आते जाते वाले भी बोल रहे हैं, जो आने जाने लग रहे भाई खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बने भी अच्छी है यार, टेंशन ना ले तू। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये। हाँ भाई तो ये पहली बार बना रहे भाई हम बाहर आ गए अपना खुद ही भाई। विजय कैसी लगी भाई? एक नंबर की कटी, मस्त मस्त है ना। किसी लगी वंशु? अच्छी होटल अब यहाँ बाहर जो मिलती है उससे तो कई गुना अच्छी है भाई। अपना मस्त प्याज टमाटर का छौक अच्छी बनी हुई है, नंबर की स्वाद आ गया भाई। आने जाने वाले भी रुक रुक के पूछ रहे थे कितनी देर में बनेगी। खुशबू बहुत दूर तक गई है इसकी, यहाँ की वादियों में फैल गई। तो भाई चल पड़े हैं, खाना वाना यहाँ हो गया है, अपना ब्राउन ब्रेड वगैरह खा ली थी, अब देखते हैं कुछ मिलेगा तो ले लेंगे। तो विजय चलाएगा गाड़ी, निकल रहे भाई ऐसे। चल भाई तो माल रोड पे तो जाम लगा ही हुआ है फिलहाल, तो देख सकते हो आप, इसीलिए हम वापिस गए थे। तो गाइस काफी भीड़ है भाई माल रोड पे, तो यहाँ देख सकते हो आप। तो गाइस पहुंच गए यहाँ भी, थोड़ी देर रुक लेते भाई। ये देखो नैनी झील के सामने है, ये देखो दिन में दिखाए भाई गजब नजारा है। ये गाड़ी यहाँ लगा दी है। अरे मस्त लग रहा है यार विजय, तू तो है ये आके आगे क्या आ गया? ये प्राइस टैग है। अच्छा दे नहीं, दिन में ज्यादा भीड़ रहती है दोस्त, यहाँ काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे अब तो है ना छुट्टियों के कारण। दिन रात दोनों में रहती है। क्या नाम भाई? तो भाई ये साइकिलिंग भी होती है यहाँ, ये देखो सही नहीं लगे ना, ना सही ना।
तो भाई यहाँ अपना मॉल रोड पे इधर झील है, ये देखो क्या अच्छा नज़ारा है। वो देखो लाइटिंग कैसी लग रही है, दिख रही होंगी, पूरा मॉल रोड। और यहाँ अपना चाय लेते हैं थोड़ा, है भाई कहता तो पहले वहीं बना देता चाय भी, ले लेते दूध वगैरह है, थोड़ा यहाँ का भी टेस्ट ले गए। चलो बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाय चाय कहाँ पीनी चाहिए, टेस्ट होगा तो अच्छा होगा, सब देखते हैं वीडियो को तेरी को, तेरा अच्छा टेस्ट होगा, ठीक है मस्त बनाई हो भाई, बिल्कुल। ये क्या भाई, तो भाई इस टाइम थोड़ी छीड़ मिली है यहाँ पे माल रोड पे, नहीं तो काफी भीड़ हो रखी थी। ये देखो झील, मस्त नजारा भाई झील का। और वंशु तो अपना वहाँ गाड़ी में बैठा है, खाएगा तू भी लेगा भाई, चिल्ला लेगा, कर दे भाई तीन चिल्ला खा ले फिर दो, ये लगवा ले। तो गाइस काफी अंधेरा भाई, अब हम नैनीताल से भी आगे निकल गए, रात के 12:30 का टाइम हो गया, और हम सीधा ये सोच रहे कि भाई कैची धामी जाके रुकेंगे आज अपना मंदिर के पास, ताकि सुबह जल्दी से अपना दर्शन हो जाए, फिर घूम लेंगे आते टाइम जहाँ भी जाना होगा, है विजय सही है ना, क्योंकि फिर यहाँ जाम मिलता भाई सुबह, मॉल रोड से अपना फ्री हो जाएंगे, कहीं भी घूम लेंगे अपना, फिर कहीं घूमें एक बार, सुबह सुबह दर्शन हो जाए बाबा जी के। आए थे यहाँ पे नैनीताल में, तो किसी ने बताया कि कैची धाम मंदिर पास में ही है, तो सोचा तो हम भी दर्शन कर लेते, काफी कुछ सुना उसके बारे में, बाकी भाई दिखाएंगे आपको सुबह कैसा मंदिर है, अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना बाहर से तो दिखाई देंगे। बाकी मैगी तो तुमको सिखाई थी मैंने आज बनानी, मैगी तो भाई लाजवाब थी। अरे भाई जोगिंदर मकाई की कमी है, इतनी मैगी बना देगा, इतने पैकेट ला रखे हैं, इतने ला रखे हैं, किसी ने सोची ना होगी, सोची ना होगी, टमाटर घेर घेर के बना देंगे टमाटर। तो भाई एक बज चुका है, रूम बिल्कुल नहीं मिले भाई, कई जगह पूछ ली, फुल है सारे यहाँ पे रूम। और ये सामने है ना, ये कैची धाम मंदिर है भाई अपना नीम करोली बाबा का, यहाँ से अपना रुक गए, लेकिन आज पार्किंग में गाड़ी लगा दी, यहीं रुकना पड़ेगा भाई, पहुँच गए मंदिर पे तो, लेकिन होटल होम स्टे सब फुल है भाई, यहाँ दिक्कत ये है बस, कुछ नहीं है, गाड़ी में रात गुजारनी पड़ेगी।